is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. कॉलेज रिव्यू नंबर 2 एनआईटी कुरुक्षेत्र। तो यार काफी दिन से मैसेज आ रहे थे मेरे को, काफी लोग कमेंट्स कर रहे थे कि भैया एनआईटी कुरुक्षेत्र को कवर करो, इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, गूगल पे ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है इसके बारे में, कोई ट्रस्टेड रिव्यू नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना यार इसको ही पहले कंप्लीट करते हैं, बाकी देखेंगे बाद में। तो यार सुबह मैंने रिसर्च स्टार्ट करी कि ढूंढते हैं काफी कुछ मिल जाएगा इंटरनेट पे। तो यार सीरियसली बता रहा हूँ, यूट्यूब पे मुझे कोई ढंग की वीडियो नहीं मिली। पहले तो कोई 1080p वाली वीडियो तक नहीं थी इस कॉलेज के ऊपर, ठीक है। गूगल पे मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज देखे, मुझे कुछ खास नहीं मिला, बहुत कम कोरा आंसर्स भी थे। तो यार मैंने इनकी वेबसाइट अच्छे से देखी और जितना भी था ना यार सब कुछ मैं लेके आया हूँ इस PDF के अंदर, ठीक है। तो ये PDF मैंने आज बनाई है पूरी की पूरी। ये PDF का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन एरिया में मिल जाएगा, वहां से तुम इसे सीधा डाउनलोड कर सकते हो। तो यार इस PDF के बदले अगर कोई रिटर्न गिफ्ट देना चाहते हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जो लाल कलर का बटन है, ठीक है। अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को लाइक कर दो। अब वीडियो लाइक भी कर रखी है तो यार नीचे कमेंट कर दो। अब कमेंट भी कर रखा है तो जाके यार इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जो JEE एस्पायरेंट्स हैं और अब कॉलेज जाने वाले हैं, ठीक है। और अगर सब कुछ कर रखा है तो यार ये वीडियो देखना स्टार्ट करो। तो NIT कुरुक्षेत्र यार ये PDF मैंने बनाई है, ठीक है, हरमन बींग IIITian, और ऑफिशियल वेबसाइट का मैंने लिंक दे दिया है NIT कुरुक्षेत्र का, जाके देख सकते हो। ये है यार कॉलेज की एक फोटो, और फोटोज भी ज़्यादा अवेलेबल नहीं थी गूगल पे। चलो कोई बात नहीं, आगे तुम देखना। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लोकेशन से कि ये कहाँ पर है। देखो यार कुरुक्षेत्र हरियाणा में एक जगह है और ये कॉलेज भी हरियाणा में है, ठीक है। इसकी जो लोकेशन है यहाँ पे एड्रेस तुम्हें दे रखा है कुछ मिर्ज़ापुर पार्ट हरियाणा और वगैरह वगैरह जो भी है, ठीक है। तो लोकेशन यहाँ पे गिवन ही है। बाकी बता देता हूँ दिल्ली से कितना दूर है, तो यार 160 किलोमीटर दूर है दिल्ली से। और यार कुरुक्षेत्र नाम का एक रेलवे स्टेशन है, अगर तुम उस रेलवे स्टेशन पे उतरते हो तो वहाँ से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है ये। और यार एक जगह है जिसका नाम है पिपली, तो यार हरियाणा में थोड़ी सी फेमस जगह होगी, इससे तुम्हें 10 किलोमीटर दूर मिलेगा NIT कुरुक्षेत्र। बाकी यार अब रैंकिंग्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले NIRF की रैंकिंग, जो एक्चुअली में मैं तो कुछ ज़्यादा खास मानता हूँ नहीं, लेकिन स्टिल बात कर लेते हैं यार। NIRF 2019 के अंदर 41 रैंक थी इसकी, 28 में 43 थी, पहले उसकी 60 थी। तो मतलब रैंकिंग्स इंप्रूव हो रही है, बाकी भी और कुछ थोड़ी रैंकिंग्स हैं, जाके देख लेना, ठीक है। रैंकिंग से ज़्यादा कुछ पता नहीं चलता, हर कॉलेज रिव्यू में ये बताता हूँ। तो यार अब बात करते हैं मोड ऑफ एडमिशन की। तो यार कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा, JEE मेंस देना पड़ेगा। अब कितनी इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो यार 75% जनरल और OBC के लिए कंपलसरी है अगर तुम्हें इसमें एडमिशन लेना है। और यार जो बाकी कास्ट हैं जैसे कि SC ST PWD, इन्हें मिनिमम 65% चाहिए अपनी 12th बोर्ड में अगर तुम्हें इसमें एडमिशन लेना है। या तो तुम्हारे 75 आ जाए, या तो तुम टॉप 20% में होने चाहिए अपनी रिस्पेक्टिव बोर्ड में, ठीक है। काउंसलिंग कौन सी होने वाली है, JOSA की काउंसलिंग होने वाली है, कोई जैक काउंसलिंग से नहीं होता ये, JOSA की काउंसलिंग होती है। उसके फॉर्म्स निकलेंगे, तुम उसे भरना, उसके अंदर ये कॉलेज अवेलेबल है। अब बात करते हैं यार फी स्ट्रक्चर की। तो देखो यार मेरे को जो इंटरनेट से मिला इसका जो फी स्ट्रक्चर है वो है कुछ 62,500 रुपीज़ इसकी कुछ ट्यूशन फीस वगैरह थी, कुछ एक्स्ट्रा फीस है इसके अंदर 7,250 और कुछ अदर्स करके लिखा हुआ था 552 रुपीज़। तो मतलब कुल मिला के पर सेमेस्टर की है ये फीस, ठीक है। पर सेमेस्टर तुम्हें 83,600 रुपीज़ देने पड़ेंगे। अब इसको डबल कर लो तो कितना मान के चलो, अगर तुम ज़्यादा भी लो तो 1,70,000 के आसपास फीस। अगर मैं कहूँ तो यार मेरे ख्याल से अच्छी फीस है, ज़्यादा नहीं है फीस, एकदम नॉर्मल फीस है। थोड़ी सी ज़्यादा लगेगी तुम्हें कुछ कॉलेजेस से, लेकिन मेरे ख्याल से ठीक है। तो यार अब हम बात करते हैं ब्रांचेस की। तो ब्रांचेस इसके अंदर कौन कौन सी है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिल जाएगी तुम्हें, सिविल मिलेगी, EE जो इलेक्ट्रिकल होती है, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन मिलेगी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT, मैकेनिकल और प्रोडक्शन की ब्रांच, ठीक है। तो ये सब कुछ ब्रांचेज है इसके अंदर, अराउंड 7 ब्रांचेज है। बाकी अब मैं सीट मैट्रिक्स की बात करता हूँ। देखो सीट मैट्रिक्स इसका बहुत बड़ा था, जितने भी JOSA के अंदर कॉलेजेस आते हैं उसके अंदर यार होम स्टेट, अदर स्टेट, बहुत सारे कोटा वगैरह लगे रहते हैं, गर्ल्स कोटा है ना। तो यार टोटल सीट्स जो हैं वो तुम्हारी है 965, जिसमें फीमेल की रिजर्व सीट्स भी हैं, मतलब हर ब्रांच के अंदर लड़कियाँ तो इसमें पक्का हैं। बाकी 50% सीट्स है तुम्हारी हरियाणा स्टूडेंट्स के लिए, 50% सीट है अदर स्टूडेंट्स के लिए। यार यहाँ पे मैंने लिंक दे रखा है,
तुम्हारे लिए मैं एक बार इस लिंक को खोल देता हूँ और इसको भी एक बार स्टडी कर लेते हैं। तो यार ये है तुम्हारा सीट मैट्रिक्स। यहाँ पे लेफ्ट साइड के अंदर तुम्हें प्रोग्राम का कोड और प्रोग्राम का नेम दे रखा है। प्रोग्राम मतलब ECE कंप्यूटर साइंस जो भी है, ठीक है। बाकी तुम्हें तुम्हारा कोटा देख रहे हैं ये कि कौन सा कोटा है तुम्हारा, PWD है, SC है, ST है, OBC है या जनरल है, और तुम कौन सी स्टेट से हो। तुम अगर हरियाणा के हो तो तुम्हारे लिए 50% सीट्स रिजर्वड है और तुम्हें एडमिशन लेना कंपैरेटिवली इजी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे तुम सारी सीट्स देख सकते हो। अगर तुम देखो तो कंप्यूटर साइंस की सीट्स हैं यहाँ पे टोटल 101 सीट्स हैं। 51 सीट्स तुम्हारी हरियाणा के स्टूडेंट्स के लिए है, 50 सीट्स तुम्हारी आउटसाइड हरियाणा के लिए है, ठीक है। तो यार ये भी तुम एक बार स्टडी कर लेना जाके, मैं पूरा नहीं बता रहा। अब हम बात करते हैं यार कट ऑफ्स की। सेम चीज़ कट ऑफ में भी था यार, बहुत ही बड़ा चार्ट है, इतने सारे राउंड्स हैं, मैं सारा तो एक साथ नहीं डाल सकता। तो यार यहाँ पे मैंने एक काफ़ी ट्रस्टेड लिंक डाल दिया है, एक बार इसको भी जाके मैं तुम्हें जल्दी से दिखा देता हूँ। तो यार मैंने सिलेक्ट कर लिया है कैटेगरी में जनरल। अब हम आगे आते हैं राउंड वन, राउंड टू, पूरे राउंड सेवन तक है, उसके बाद स्पेशल राउंड वन, स्पेशल राउंड टू भी है। तो जोसा के अंदर यार इतने सारे कॉलेजेस होते हैं कि इतने सारे राउंड इन्हें कराने पड़ते हैं। तुम जाके किसी भी राउंड में, किसी भी कैटेगरी में, किसी भी ब्रांच में, आउटसाइड हरियाणा या हरियाणा स्टेट, दोनों का देख सकते हो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। स्टिल यार अगर मैं कंप्यूटर साइंस ब्रांच की बात करूँ तो इसके अंदर तुम्हें 3470 से लेके कुछ 7265 के रैंक के बीच में मिल जाएगा कंप्यूटर साइंस। तो यार अब बात करते हैं प्लेसमेंट्स की और रिक्रूटर्स की। ये सारा डेटा जो है प्लेसमेंट्स का, ये मैंने किसी कोरा आंसर से नहीं लिया, ये ऑफिशियल वेबसाइट से लिया, उसका लिंक भी मैंने दे रखा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं CTC ऑफर्ड का, ठीक है। तो ये मैंने क्यों डाला है मैं बता देता हूँ। मैंने इसलिए डाला क्योंकि 4 लाख से 6 लाख वाले जितने भी बच्चे हैं, आप देखो 43%, मतलब 43% बच्चों को सिर्फ 4 लाख से 6 लाख का पैकेज मिला है। आगे मैं आपको कुछ बताऊंगा, मतलब फिगर्स कितनी मिसलीडिंग हो सकती है, बस उसका ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो 43% लोगों को 4 लाख से 6 लाख का पैकेज मिला था। आगे बात करते हैं, अब ये तुम्हारी इनकी अंडर ग्रेजुएट मतलब BTech वालों की प्लेसमेंट रिकॉर्ड है, स्टेटिस्टिक्स हैं। जैसे कि तुम यहाँ पे देख रहे हो कंप्यूटर साइंस का, अगर हम देखें तो जो हाईएस्ट पैकेज है वो 40 लाख गया है, ठीक है। देखो हाईएस्ट पैकेजेस एक दो कंपनीज आके एक दो बच्चों को दे देती हैं, बट यार वो बहुत मिसलीडिंग होता है, उसे देख के कभी भी कॉलेज को सिलेक्ट नहीं करना चाहिए। एवरेज पैकेज देखना चाहिए, एवरेज पैकेज है 11.75। अच्छा है, बुरा नहीं है। अगर तुम DTU का देखो, IIIT का देखो, NSUT का देखो और थोड़ी अच्छी NITs का देखो तो इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, ये बुरा नहीं है। बट यार जैसे कि मैंने तुम्हें अभी बताया कि 43% बच्चे 4 से 6 लाख के बीच में प्लेस हुए हैं, तो जो यार ये काफ़ी लो पैकेज होता है, इसीलिए देख लो यार प्लेसमेंट्स अच्छी हैं, ठीक ठाक हैं। बाकी एक और चीज़ जो तुम्हें ध्यान में रखनी है, प्लेसमेंट परसेंटेज, ठीक है। जैसे कि सिविल के अंदर 60% का प्लेसमेंट परसेंटेज है, अगर तुम कोई भी ब्रांच लेते हो प्लेसमेंट परसेंटेज भी एक बार देख लिया करो, अगर तुम्हारी प्रायोरिटी प्लेसमेंट है, ठीक है। बाकी यार रिक्रूटर्स बहुत सारे थे, ठीक है, बहुत सारे थे, मैं यहाँ पे डाल नहीं सकता, यहाँ पे लिंक डाल रखा है, उस पर भी चले जाते हैं एक बार जल्दी से, तुम्हें दिखा देते हैं। यहाँ पे तुम देखोगे अगर तो ए से स्टार्ट हो रहा है अमेजोन, जो बड़ी कंपनी तुम्हारे सामने है। यहाँ पे मेरे को गूगल नहीं मिली, तुम जाके देख सकते हो, शायद तुम्हें मिल जाए, गूगल नहीं थी। बाकी जो टॉप टॉप कंपनीज है ज़्यादातर मैंने देखा इसके अंदर है, माइक्रोसॉफ्ट भी है। देखो यार कितने सारी कंपनीज है, ठीक है, इन्होंने सारी लिस्ट डाउन कर रखी है। ये मैं PDF के अंदर नहीं डाल सकता था, जाके तुम देख सकते हो, तुम्हारे पसंद की कोई कंपनी हो और तुम्हें उसे देखना हो जाके देख सकते हो। तो यार जो ऑफिशियल वेबसाइट है प्लेसमेंट्स की, वहाँ से मैंने इन्फॉर्मेशन लिया, अगर तुम वेरीफाई करना चाहते हो यहाँ पे लिंक गिवन है। तो यार ये सीट मैट्रिक्स लिखा है, एक्चुअली में रिसर्च है, सॉरी यार ये थोड़ी सी दिक्कत हो गई हमारे डॉक में। तो यार रिसर्च की मैंने एक कोरा आंसर पढ़ा था कि रिसर्च कैसी है यहाँ पे, तो यार उन्होंने बताया कि जो टीचर्स हैं वो इतनी अच्छे नहीं हैं। तो यार टीचर्स अपनी तरफ से इनिशिएट नहीं करते रिसर्च, और स्टूडेंट्स भी यार इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स प्लेसमेंट के पीछे भागते हैं, मतलब ज़्यादातर क्या सारे ही स्टूडेंट प्लेसमेंट के पीछे ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि जल्दी से हमारी अच्छी प्लेसमेंट लग जाए, और रिसर्च का इतना अच्छा माहौल नहीं है। लैब्स वगैरह देखो इतनी अच्छी नहीं है। ये कोरा का आंसर है, ये पढ़ सकते हो, ये सीट मैट्रिक्स नहीं है, बस ये थोड़ी सी गलती हो गई, ये है तुम्हारा रिसर्च। तो यार अब हॉस्टल की बात करते हैं और हॉस्टल फीस की बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फीस बता देता हूँ, इतनी कम फीस, लिटरली यार मैं हैरान हो गया, देखिए इतनी कम फीस कैसे हो सकती है। सिंगल रूम का कॉस्ट है 9500, ये बहुत कम है, सच बता रहा हूँ, बाकी कॉलेजेस से कंपेयर करोगे बहुत कम है। डबल रूम है तुम्हारा 7100 का, ट्रिपल रूम है तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ 6000 रुपीज़ का, ठीक है। बाकी यार हॉस्टल हैं पूरे 10, और मैंने इसके ऊपर भी एक कोरा आंसर पढ़ा जो मेरे को काफ़ी जेन्युइन लगा, इसलिए मैंने सोचा कि डाल देते हैं, वहीं के किसी स्टूडेंट का था। तो यार उसने बताया कि जो हॉस्टल्स हैं काफ़ी ज़्यादा पुराने हैं, टोटल 10 हॉस्टल हैं। जब आप फर्स्ट ईयर के अंदर आएंगे तो आपको डबल और ट्रिपल शेयरिंग में रहना पड़ेगा, आप सिंगल शेयरिंग में नहीं रह सकते। और थोड़ा मेस के बारे में भी बताया, वो मैं आगे बताऊँगा। आपको वाईफाई मिल जाएगा, लैन कनेक्शन हर रूम के अंदर मिल जाएगा। बाकी आप इसे और अच्छे से पढ़ सकते हैं जब आप सेकेंड ईयर के अंदर आ जाएंगे, तो आपके पास एक ऑप्शन होगा कि आप अपना रूम चेंज कर सकते हो,
और हॉस्टल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा पुराने हैं, काफ़ी पहले बने थे हॉस्टल, 19 समथिंग में बने थे, तो काफ़ी ज़्यादा पुराने हॉस्टल हैं, लेकिन रूम्स बहुत बड़े हैं, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। एक मैंने कोरा आंसर पढ़ा कि उसने बोला यार मैं बालकनी के अंदर 3 बेड रख दूंगा, इतनी बड़ी बालकनी दे रखी है। मतलब यार काफ़ी सही लगा मुझे सुन के। और इस भाई ने भी यही बताया यार कि जो रूम्स है काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, इसे डिटेल में जाके पढ़ना अच्छे से, और बहुत डिटेल में तुम्हें चीज़ें पता चलेंगी, ठीक है। बाकी एक ड्रॉबैक बताया, जो 10th हॉस्टल है उसके अंदर वाईफाई वगैरह ज़्यादा अच्छा नहीं है। बाकी यार अगर हम मेस की बात करें तो जो मेस चार्जेस हैं वो हर मंथ 3K to 4K के बीच में वैरी करते हैं। बाकी अगर देखो तो यार उन्होंने बोला है कि जो खाना है मेस का काफ़ी अच्छा है। तो यार कॉलेज के आसपास मेस के अलावा अगर मान लो तुम्हें खाना नहीं खाना मेस से, तो आसपास ढाबे वगैरह भी है, वहाँ पे जाके भी खा सकते हो। तो यार अब हम बात करते हैं स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ की। इसके बारे में मुझे ज़्यादा नहीं मिला, बिल्कुल भी कोरा पे नहीं मिला, तो मेरे को उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके पढ़ना पड़ा। ऑफिशियल वेबसाइट में ऑब्वियसली सब कुछ बढ़ा चढ़ा के लिखा जाता है, बट मैं तुम्हें थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। तो यार जो जिम था, जैसे कि मैंने कोरा आंसर में पढ़ा कि जिम काफ़ी बिलो एवरेज है, बाकी काफ़ी सारी तुम्हें स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, जैसे कि बैडमिंटन, टेनिस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, ये सब है वहाँ पे, पूरा फील्ड बना हुआ है अच्छा खासा। बाकी यार अगर हम बात करें फेस्ट की, तो यार एक है कल्चरल फेस्ट इनका, जो मेन फेस्ट होता है वो है यार कॉन्फ्लुएंस, अगर मैं सही बोल रहा हूँ। बाकी एक टेक फेस्ट होता है इनका, टेक स्पर्धा करके। तो देखो यार ये जो दोनों फेस्ट हैं ये ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, ठीक है, ज़्यादा लोग यहाँ पे आते नहीं हैं इन फेस्ट को देखने। मतलब कभी कभी कोई अच्छा सिंगर वगैरह या कुछ बुला लेते हैं लोग, बट जैसे कि मैंने पढ़ा कि अगर तुम चाहते हो एंजॉय करना तो तुम कर सकते हो, कॉलेज के स्टूडेंट हो, जाओगे ऑब्वियसली एंजॉय करोगे अपने फ्रेंड्स के साथ, लेकिन यार वो एक क्राउड वगैरह ज़्यादा नहीं आता है और इतने अच्छे सिंगर्स वगैरह, बजट वगैरह ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो यार थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, ये सारा डेटा मैंने आज निकाला था, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है इसमें। वही यार हमारा पुराना असूल है कि 1000 व्यूज़ पूरे करते हैं फिर अगला कॉलेज रिव्यू भी लेके आएंगे, जल्दी से 1000 व्यूज़ पूरे कराओ। 3000 सब्सक्राइबर्स चैनल पे कंप्लीट होने वाले हैं, जल्दी से कंप्लीट करते हैं 3000 सब्सक्राइबर्स। यूट्यूब का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी इस डॉक में भी दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, जाके सब्सक्राइब और फॉलो कर सकते हो।